असलम विवे टोडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन ओपिनियन बलोचिस्तान इन हॉट वाटर बाई अली तो शेख बलोचिस्तान जो है वो गर्म पानी के अंदर है यानी कि वहां पर बहुत से उसको चैलेंजेस का सामना है आ, पानी के हवाले से एक जगह पे एक साइड पे देखें तो हमें उसमें स्कॉसटी वाटर स्कॉसटी नजर आती है और दूसरी तरफ जो है वो फ्लड की वजह से अभी जो है वो बलोचिस्तान जो है वो चैलेंजेस का सामना करता हुआ दिखाई देता है तो उसी हवाले से इसको लिखा गया है हम इसको स्टार्ट करते हैं

Years, है? इस में वाइट स्प्रेड है और इस में जो है वो दो मरतबा जो है हमें देखने को ये चीजें मिली थी इमेजिन लार्जर इन साइज देन एट लीस्ट सेवन स्टेट इन दू एस इंक्लूडिंग मैसाचुसेट्स एंड इज डिसनेक्टेड फ्रॉम द मेन लैंड फॉर वीक्स एंड मंथस बिकॉज द रेन्स है पुअरली बिल्ड रोड लिंक्स एंड रेलवे लाइंस ठीक है अब ये इतना वाइड है ये इलाका यानी कि इतना साइज में बड़ा है लार्जर है कि जो सेवन स्टेट्स ऑफ यूएस है ना वो भी इसमें शामिल हो जाए जिनमें मैसेच्यूसेट भी शामिल है और ये इलाका जो है वो डिसकनेक्टेड रहा वीक्स और मंथ से ठीक है मेन लैंड के साथ ठीक है क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ रेन्स और रेन जो है वो बहाकर ले गई चीजों को और जो रोड लिंक्स थे रेलवे लाइन्स थे उसको भी न, इसने बुरी तरह से इफेक्ट किया था

जो के parts of, अगर हम इसके मुकाबले में देखें पंजाब के पार्ट्स में दो, दो तरह के जो है वो वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है वाइल्ड स्ट्रगलिंग विद एक्सट्रीम वाटर स्कॉर्ट सिटी एक तरफ की पानी की बहुत ज्यादा कमी है, in और, जो है वो ओवर पावर्ड है बाय Inundation होता है है ठीक एनुअल सिलाब से बोथ स्कॉट सिटी एंड एक्सेस आर एक्सिलेटेड बाय क्लाइमेट चेंजेस अब दोनों चीजें अगर कमी को देखें या फिर एक्सेस देखें जो कि फ्लड की सूरत में आ रही है तो वो एक्सीट करिए बढ़ रही है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से द कररेक्टर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन बिगिन टू चेंज ठीक है अब हम ये देख सकते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो भी चेंज हो रहे हैं ठीक है प्रोवेंस ठीक है जो इफेक्ट कर रहे हैं यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को और एनवायरमेंटल कंडीशन को जो कि इस प्रोवेंस के डिफरेंट एरियाज में है समेन रिवर्स एंड बेसन इन लोचिस्तान हैव कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देयर वाटर रिसोर्सेज ठीक है दस रिवर्स और बेसन जो है वो लोचिस्तान में कंप्लीटली तबाह हो गए वाटर रिसोर्सेस के लिए ठीक है पर कैपिटा वॉटर अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर मच फास्टर रेट द नेशनल माइग्रेशन ठीक है पर कैपिटा अगर वाटर अवेलेबिलिटी देखें जिनमें ग्राउंड वाटर भी शामिल है तो वो रिड्यूज हो रहा है ईयर ईयर हम देख रहे हैं ठीक है बहुत तेजी के साथ अगर उसका मुकाबला किया जाए मुआजना किया जाए ना नेशनल एवरेज से जो फोर्स करती है टूवर्ड्स आउटवर्ड जो है माइग्रेशन गवर्नमेंटल टू इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू सच मैर्स एज वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्टिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो गवर्नमेंट की एफर्ट है इंक्रीज करने की वाटर अवेलेबिलिटी को किसके जरिए से मयर्स की जाए वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए जाए एक्विफायर्स के लिए भी जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाए कारेज मेंटेनेंस की जाए तो ये एक लैक्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन गई है ऑफ़ वाइडर एप्लीकेशन ठीक है अब बदतर भी है हम चीज देख सकते हैं Succession, इस सेंस में हमें रियली really ही देखने को मिली है इस प्रोजेक्ट लेवल पर द प्लान टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस थ्रू चेक डैम्स और कंस्ट्रक्शन अंडर द टेन हंड्रेड डैम डू नॉट फुली एड्रेस द सेडिमेंटेशन ठीक है जो प्लान है एड्रेस करने के लिए वाटर क्राइसिस को के चेक लगाए जाए डैम्स पे कंस्ट्रक्शन की जाए अंडर हंड्रेड डैम्स प्रोजेक्ट ठीक है वो भी फुली जो है वो एड्रेस नहीं की गई सेडिमेंटेशन उसकी नहीं हुई है uh, ग्रेजिंग एंड डिसिल्टिंग चैलेंजेस दैट आर रिजॉल्व इन सिमिलियर जियोग्राफीज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड और ये तमाम चैलेंजेस जो हमें नजर आ रहे हैं तय ते, शुदा अगर तो ये तह uh, मतलब लगाई जाएं और इस चीज को मुकम्मल किया जाए इस चीज के हवाले से जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई है ये uh, जोग्राफिकली अगर हम देखें एल्सवेयर इन द वर्ल्ड किसी भी जगह पर ठीक है जी दीज एफर्ट्स आर नाउ आल्सो हेम्पर्ड बाय मल्टीपल क्लाइमेट थ्रेट्स थ्रेट इन एफर्ट्स की वजह से मल्टीपल जो है क्लाइमेट थ्रेट्स भी हेम्पर्ड हो रहे हैं पर्टिकुलरली राइजिंग टेम्परेचर खसूस तौर पर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है इरेक्टिक रेनफॉल पैटर्न और बिल्कुल बेतरतीबी सी बारिशें हो रही हैं इनके पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं एंड एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज फ्लड्स ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स जिनमें इवेंट्स भी देख सकते हैं जिनमें हम सलाब कहत और हीट वेव्स जो है शामिल हैं ये चीजें आ रही हैं बोथ वाटर स्कॉर्सिटी एंड एक्सेस इन द प्रोविंस आर एक्सेलरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से स्कॉट और एक्सेस दोनों ही प्रोविंस में बढ़ रही है एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन प्रोविंस। अब तीन तरह का खदशा खतरा जो है जो पार्टी जो है वो लेकर आई है प्रोविंस की तरफ जो एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो रही है रतूबत का अमल या प्रेसिपिटेशन का अमल जो ज्यादा हो रहा है लॉस ऑफ टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ हैवी रन ऑफ ठीक है जिनमें टॉप सॉइल जो है वो भी हैवी रन ऑफ की वजह से लॉस हो रही है ठीक है यानी कि जरखेज मट्टी बह रखी रह जा रही है लार्ज स्केल डैमेज टू गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है लार्ज पैमाने पर जो है वो नुकसान हो रहा है और सी नंबर पर इनको बता रहे हैं वाइट सेपरेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का

हैवी रेन्स को द प्रोविंस इज पर्टिकुलरली वर्लनर एबल टू टॉप सॉयल लॉस तो खसूस तौर पर इसमें टॉप सॉइल जो है वो कमजोरी की वजह से बह जाती है विच हैज लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी जो कि एक लंबे अरसे तक जो मट्टी की जरखेजी है उस पर उसका असर पड़ता है सॉइल की स्ट्रक्चर पर मट्टी की स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है और इको सिस्टम सर्विसेस पर भी असर पड़ता है रन ऑफ्स एंड टॉप सॉइल लॉसेज अब जो रन ऑफ्स हो रहे हैं टॉप सॉइल लॉसेज हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कैन बी एट लोकल एंड वॉटर शेड लेवल्स बाय अपलाइंग डिफरेंट मॉडल्स एंड मैथ ठीक है इसको मेडियड किया जा सकता है लोकल और वाटर शेड लेवल से अगर अप्लाई किया जाए या जाएं, so, बहुत जरूरी है इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट कैन कैलकुलेट द रन ऑफ एंड रेट ऑफ सॉइल लॉस इकोलॉजिस्ट जो है एववायमेंटल uh, इकोनॉमिस्ट जो है वो मिलकर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं रन ऑफ को देख सकते हैं रेट ऑफ सॉयल लॉस देख सकते हैं कि कितनी मट्टी हो चुकी हैल्सो एस्टिमेट देयर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज और उसकी एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक वैल्यूज का तखमीना भी निकाल सकते हैं एस्टीमेटिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सॉइल लॉस ऑन द सेडिमेंट इन रिजर्वियर इन रूटीनली अंडरटेकन बाय असेसिंग द रिडक्शन इन कैपेसिटी बाय फॉर होल्डिंग वाटर फ्लड वाटर्स एंड वाटर रिजर्व्स फॉर पावर जनरेशन अगर एस्टिमेट किया जाए इकोनॉमिक इंपैक्ट का सॉइल लॉस पे ठीक है सेडिमेंट्स के हवाले से उनकी रिजर्व्स जितने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिडक्शन देखने को मिल रही है पावर जनरेशन uh, के लिए, है, के लिए तो वो जा, जिया हो चुका है कैपेसिटी टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट एंड असेसिंग द लॉस एंड डैमेज फंड सेवरल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है उनके पास कैपेसिटी है कि कैलकुलेट करें वो इन कॉस्ट को और बिल्ड करें केस एसेस करने के ठीक मतलब है यहाँ पे मतलब सेवरल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कैपेसिटी है कि कैलकुलेट करें कॉस्ट के हवाले से कि कॉस्ट कितनी है ठीक है और जो है कि इसको असेस करें लॉस एंड डैमेज फंड देखें वेन एवर इट इज ऑपरेशनलाइज जब कभी भी इसको ऑपरेशनलाइज करना हो इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस अब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हो रहा है वो देखते हैं जी द प्रोविंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट डिजाइंड टू विद स्टैंड हैवी मानसून रेन एंड फ्लड्स अब मतलब इस तरह से डिजाइन नहीं था कि इसके साथ टैकल कर सकें जो हैवी मानसून आई है रेन हुई है फ्लड्स आए हैं

स्कूल डेमेज दामे, हुए स्कूल हॉस्पिटल रोड्स ब्रिजेस पावर स्टेशन और अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआस एंड मटीरियल ब्लेम करते हैं कि जितने भी ये हैवी लॉसेस हुए पुअर पर अगर हम देखें और नॉन ट्रांसपेरेंट इनकी अगर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिस को देखें तो वो एडहर नहीं कर रहे इस चीज को मान नहीं रहे हैं कि एक्जिस्टिंग जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना कंस्ट्रक्शन जो स्टैंडर्ड या मटेरियल उनका बेहतर था इट इज हाउ एवर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी हाउ फॉर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस हैव बीन क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंजेस अब जो बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि किस कदर ये आगे जो है वो इंप्रूव होंगी चीजें या इंप्रूव हुई हैं या नहीं हुई हैं ये किस तरह की रही हैं टैकल करने के लिए सिचुएशन को अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अ जुडिशियल कमीशन शुड इन्वेस्टिगेट द फर्स्ट और जो पार्लियामेंट्री कमेटी और या जुडिशियल कमीशन है उसको खुद सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सेकेंड जो है वुड रिक्वायर टेक्निकल स्टडीज की जरूरत है और रिव्यन uh, की जरूरत है ऑफ नेशनल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस की नेशनल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को रिवियन की जरूरत है उनको दोबारा से देखा जाए अ प्रोसेस दैट हैज टू

ठीक है उनको भी जैसे हार्म वे में हम देख सकते हैं इन चीजों को द पीडीएनए हैज नॉट गिवन एनी एग्जैक्ट फिगर पीडीएनए ने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया बट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट

एक जमीन तबाह हुई क्रॉप तबाह हुई फसलें तबाह हुई पांच सौ हजार लाइव स्टॉक जो है वो किल्ड हो गए प्रोविंस में दीज आर बिग लॉसेज फॉर पीपल लिविंग ऑन सस्टे सबसिस्टेंस एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन और ये बिग लॉसेज है पीपल लिविंग के लिए और बिलो द पॉवर्टी लाइन हिट कर रहे हैं कैश डिसमेंट थ्रू द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैन ओनली बी वन ऑफ एक्टिविटी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ जो कैश करने वाली है वो एक ही एक्टिविटी है पर्टिकुलरली रिस्क ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस के मेकेजम फॉर ह्यूमन लाइफ ताकि जिंदगी के लिए इंसानी जिंदगी के लिए एक इंश्योरेंस uh, हो ठीक है शेल्टर हो स्टैंडिंग क्रॉप दोबारा से वो अपनी फसलों को खड़ा कर सके लाइफ स्टॉक को एंड स्टार्ट कर रिसेंट इनोवेशन हैज बीन मेड बाय वर्ल्ड बैंक फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर सिन फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गिवस कैश ग्रांट ऑफ थ्री हंड्रेड थाउजेंड रुपीज टू कंस्ट्रक्ट फ्लड प्रूफ हाउसेज ठीक है अब यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से देखें तो 500 मिलियन सिंध की तरफ जो कि फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन हुई वो प्रोजेक्ट ने और कैश कितना दिया गया तीन सौ हजार का जो कि फ्लड प्रूफ हाउसेस बनाने के लिए दिया गया था द प्रोजेक्ट एम्पावर्स रिसिपियंट स्पेशली वुमेन लेड हाउसेज एंड एनश्योर दैट ईच बेनिफिशियरी रिसीव लैंड ऑनरशिप और इसमें यही था की तमाम को लोगों को घर भी मिले खसूसी तौर पर औरतों को जो कि हाउस होल्ड चलाने के लिए थी ठीक है यानी कि वुमेन लेड हाउस होल्ड और जो ensure करवाया जाए कि सबको हो ये beneficiary land ownership document from the government, government की तरफ से केस फॉर द रिप्लीकेशन इन बलोचिस्तान ठीक है प्रोजेक्ट जो है बलोचिस्तान में एज द लार्जेस्ट प्रोविंस विध लेसिक्स परसेंट ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जहां पर कम है छह परसेंट से भी पॉपुलेशन अगर देखें हम पाकिस्तान की तो बलोचिंग बलोचि दहाइयों से, से होता आ रहा है, अपनी पॉपुलेशन की वजह से द फेडरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका सेंसस देखें मर्दमशुमारी देखें तो दो हजार तेईस के अकॉर्डिंग और अप्रूव हुई है ये इसमें कमी एट लीस्ट कंपेयर टू एंड सिंध अगर पंजाब और सिंध से हम कंपेयर करें

Of Peter the Great so who wanted an all-weather? पोर्ट इन बलोचिस्तान वाटर जो चाहता था कि जो है वो बलोचिस्तान की तरफ वार्म वाटर की तरफ आए जो है अंडर डेवलपमेंट uh, को बर्दाश्त करते हुए इस व्यू को और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट को वी नो नाउ दैट दिस पॉलिसी हैज ऑल्सो एसेंचुएटेड क्लाइमेट वेलनरेबिलिटी और अब हम जानते हैं कि ये मजीद एम्फोसाइज है सेंचुएट कर रही है क्लाइमेट वेलनरेबिलिटी कोई